हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोसीस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने कोसीस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की बात की थी, आप उसको देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर उस थ्योरम का भी एक जगह पे छोटा सा यूज होगा। इसका आज हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन कोसीस की दोनों थ्योरम, कोसीस की जो दोनों थ्योरम है, चाहे फर्स्ट थ्योरम हो या सेकंड थ्योरम, दोनों थ्योरम्स के प्रूफ तो जैसे हम लोग ने कर ही लिए हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट भी काफी अच्छे से याद रखिए। मतलब याद तो रखिए ही, साथ ही साथ उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आइए इसका भी स्टेटमेंट देखते हैं कि कोशी अपनी सेकेंड थ्योरम में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन लिमिट ऑफ ए एन टू द पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन अपॉन ए एन माइनस वन, प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट्स। ये भी वैसे ही फर्स्ट थ्योरम की तरह है, किसी कॉम्प्लिकेटेड मतलब किसी टिपिकल सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए एन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म पॉजिटिव है, मतलब ए एन ऐसा सीक्वेंस होगा जिसके जो टर्म्स होंगे ए वन ए टू ए थ्री सारे पॉजिटिव होंगे, तो लिमिट ऑफ ए एन की पावर ए वन अपॉन एन, मतलब ए एन जैसे कोई सीक्वेंस है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ए एन है एन, ठीक। तो ये पहली चीज क्या है कि ए एन के सारे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि ए एन की पावर वन अपॉन एन, ये जो सीक्वेंस बनी इसकी लिमिट इक्वल होगी लिमिट ऑफ ए एन मतलब एन और अपॉन लिमिट ऑफ ए एन माइनस वन, इसके इक्वल होगी। लेकिन आगे एक चीज और लिखे हैं, प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट। इसके कहने का क्या सेंस है, इसके कहने का सेंस है कि ये जो बाद वाली लिमिट लिखी है ना, ये वाली लिमिट ए एन अपॉन ए एन माइनस वन, ये एग्जिस्ट करेगी तब, मतलब अगर ए एन एक पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है तो ये कंडीशन तो फॉलो करेगा, लेकिन ये कंडीशन भी तभी फॉलो करेगा जब बाद वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। अगर बाद वाली लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फिर कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इक्वल नहीं होंगी। तो ये होता है इस थ्योरम के कहने का सेंस। तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इस ये तो एक एग्जाम्पल होगा, आप एग्जाम्पल से कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल पहले प्रूफ इसका करते हैं यहां तक के लिए कि अगर ए एन एक पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, तो आइए करते हैं। ए एन बी आर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब देखिए, वी हैव हमारे पास क्या है, ए एन टू दी पावर वन अपॉन एन। इसको कुछ हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा ब्रेक कर रहे हैं कि ए वन अपॉन वन इंटू ए टू अपॉन ए वन इंटू ए थ्री अपॉन ए टू से होते 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 कहां चला जा रहा है, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन। यहां पर देखिए, ये हमने क्या किया, हमारे पास ए एन था, इसे कैसे ब्रेक किया, ए वन अपॉन वन ए टू अपॉन ए वन इंटू ए टू ए थ्री अपॉन ए टू। यहां पर देखिए, ये इसका न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, और लास्ट का ये बच जाएगा ए एन और ये वन बचेगा, बाकी सारे ऊपर नीचे करके कट जाएंगे। तो इस तरह ये ए एन ही बनेगा और ऊपर पावर में वन अपॉन एन, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसके बाद सिंपली हमको दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। तो लॉग ऑफ ए एन की पावर वन अपॉन एन, लॉग ऑफ ए वन ए टू से होते हुए ए एन एक की पावर वन अपॉन एन। अब देखिए, लॉग दो प्रॉपर्टीज यहां पे हम लोग यूज करेंगे लॉग की, एक लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम
प्लस लॉग एन। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए ए वन अपॉन वन लॉग ऑफ ए वन अपॉन वन इंटू ए टू अपॉन ए वन से करते हुए ए एन अपॉन ए एन माइनस वन है, सारे मल्टीप्लाई में है तो सारे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लॉग के एडिशन में आ जाएंगे। और एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो कौन सी है, लॉग ऑफ m की पावर n इज इक्वल्स टू लॉग n लॉग m, तो लॉग m की पावर 1 अपॉन n है, तो यहां पर 1 अपॉन n बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया लॉग, सारे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लॉग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ a 2 अपॉन a 1 प्लस लॉग ऑफ a 3 स्क्वायर, यहीं से कर देते हैं डैश 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 होते हुए log of an upon an minus 1। ठीक, अभी देखिए यहां पर ये जो है log a1 upon a1 log a2 upon a sorry a2 upon a1 से होते हुए ये खुद भी एक सीक्वेंस बन रहा है, कैसा सीक्वेंस, xn is equals to log of ए एन अपॉन ए एन माइनस वन एक सीक्वेंस बन रहा है, तो मतलब ये कैसे हो जाएगा कि लॉग ऑफ ए एन की पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू ये हो गया वन अपॉन एन, ये यहां पर एन की वैल्यू वन रखी गई है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री होते होते एक्स एन, जिसका एक्स एन ये है। अब लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड, दोनों साइड पे लिमिट ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट लॉग ए एन की पावर वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू लिमिट वन अपॉन एन एक्स वन एक्स टू से होता हुआ एक्स एन तक। अब यहां पर हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे जो कि कॉसिस फर्स्ट थ्योरम, तो यहां पर जो क्या कहती थी कि लिमिट of xn is equals to l is equals to limit of 1 upon n x1 plus x2 and so on xn। देखिए xn यहाँ पे कौन है log e, तो और ये क्या है limit 1 upon n x1 plus x2 xn, तो इसकी limit xn के limit के equal होगी, तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं limit of xn is equals to limit of log ए एन की पावर एन, एक्स एन की वैल्यू कितनी है एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट लॉग ए एन अपॉन ए एन माइनस वन। ठीक, तो ये हो गई यहां तक की बात। अब देखिए जो हम लोग का लॉग होता है लॉगरिथम जो फंक्शन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है पॉजिटिव टर्म्स के लिए, तो यहां पर ए एन पॉजिटिव एन पॉजिटिव होगा तो ए एन की पावर वन अपॉन एन पॉजिटिव होगा, और ए एन पॉजिटिव और ए एन माइनस वन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ए एन के सारे टर्म पॉजिटिव हैं और दो पॉजिटिव का रेशियो भी पॉजिटिव होता है, और जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो इसके लिए एक थ्योरम होती है कि इफ एफ अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है, क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो लिमिट एफ ए एन इज इक्वल्स टू एफ ए। ठीक, जहां पर क्या है कि लिमिट ए एन इज इक्वल टू ए, देखिए ये थ्योरम कहना क्या चाहती है कि अगर हमारा जो ये एफ है वो किसी भी सीक्वेंस पे लगा है ए एन पे, तो हमारे सीक्वेंस की अगर एफ एक फंक्शन है और हमारे ए एन सीक्वेंस पे लगा है तो हम अगर उस पर लिमिट लें तो जो हमारे ए एन की लिमिट आ रही है उसी पे f फंक्शन लग जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे यहां पर देखिए log एक हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना an पे क्योंकि an पॉजिटिव है, तो ये क्या है कि इक्वल होगा, ये इक्वल होगा log ऑफ लिमिट an टू द पावर 1 अपॉन n, मतलब फंक्शन बाहर आ जाएगा और हम सिर्फ सीक्वेंस में लिमिट लगा दें तो जो सीक्वेंस की लिमिट आएगी उसका भी फंक्शन इक्वल ही होगा अगर फंक्शन के साथ भी लिमिट थी तो। ठीक, तो इस थ्योरम का यूज इधर भी कर लेंगे, इक्वल टू लॉग बाहर आ जाएगा तो लॉग लिमिट ऑफ
an upon an minus 1। ठीक, तो यहां तक ये हो गया। बनाए इसमें टेकिंग एंटी लॉगरिथमिक बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या ले लिया, एंटी लॉगरिथमिक, तो लॉग रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन अपॉन ए एन माइनस 1, और यही हमें प्रूफ करना है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये था ये कोशिश सेकेंड थ्योरम का प्रूफ। ये प्रूफ के साथ साथ इस थ्योरम में जो चीज और भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज ध्यान देना है कि हमारा जो सीक्वेंस ए एन है वो पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए, और दूसरी चीज ये लैटर लिमिट मतलब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर ये थ्योरम नहीं लगेगी, और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसके इक्वल होगी। इसके प्रूफ में हम लोग ने क्या किया, सिंपल सी काम किए हैं जो आप एक बार देखेंगे तो आ जाएगा। ये वाली बात थोड़ी नई लग रही होगी लेकिन ये आगे है सिलेबस में कि अगर कोई फंक्शन है किसी सीक्वेंस के ऊपर लगा हुआ है मतलब सीक्वेंस के जनरेटर पे, और हम उसकी फंक्शन के साथ लिमिट निकाल लेना, जैसे यहाँ पे लॉग लगा हुआ था एन के ऊपर, तो अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस डोमेन पे तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ, चाहे यहीं पे ये लिख देते कि एफ ऑफ लिमिट एन मतलब एन की लिमिट के पे फंक्शन लगाने के इक्वल होगा। ये थी इस थ्योरम का सिंपल सा प्रूफ। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही कर लेंगे, और तो इस तरीके से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।